हेलो गाइस, देखिए अभी मैं चली पिकनिक। पिकनिक में जा रही है अभी हम लोग नदी। तो सब कोई चला गया तो मैं तो मंदिर गई थी तो लेट हो गया मेरा। तो हम और प्रियंका जा रहे हैं तो हम लोग घर आए, चेंज उंज किए, खाए पिए, उसके बाद जा रहे हैं। और ये अभी हम लोग पहुंच गए, इस बार इधर पिकनिक मना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ तो दिख रहा है बहुत, कई बच्चा लोग भी यहीं पे है बगल में, देखिए उस सबको बन रहा है। अभी देखते हैं जाके क्या क्या लड़की लोग बनाई नहीं बनाई, उसके बाद फिर हेल्प करेंगे कुछ कुछ काम में। और अभी आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक, बहुत ही मज़ा आएगा पिकनिक में। ये नेहा सब गाजर सलाद का ट्री है, देखिए सब काट उट ली। उसके बाद यहाँ पे पकौड़ी बना रही है, इसमें डाला हुआ होगा पुलाव, तो मैं तो नहीं आई मैं, लेकिन मैं बनाना चाह रही थी तो ये सब ऐसे डाल दी, मटर ये सब डाली नहीं, छील छाल के बस चावल जैसा बना दी। मैं यहाँ पे कुछ बोल रही थी तो पूरा हंस रही थी, मेरा म्यूट गलती से दब गया था, फिर से माइक मिस्टेक हो गया मेरा से। और अभी यहाँ पे हम लोग पूछ रहे थे कौन कहाँ गया ऐसे ऐसे ऐसे, तो बता रही थी कि ये सब कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। और इधर बगल में जो बच्चा लोग है देखे, वो सबको मैं पूछने जा रही थी, तुम लोग क्या क्या बनाई सबके पास, तीन तीन गो चूल्हा है, पकौड़ी बना, सॉरी पकौड़ी नहीं, ये पूड़ी बना रही है, अभी पूड़ी बनाई, एक में चावल, एक में चिकन, ये सब बहुत कुछ बनाए, मैगी उगी, सब्जी, चाय, पापड़, बिस्किट, मिक्सचर, निमकी, बच्चे लोग इतना आइटम बनाया था। और लास्ट में ये सबको देखने में हंसी भी आएगा, क्योंकि बच्चे लोग के साथ हम लोग मतलब बगल में हमेशा रहते हैं ना, तो हंसी आता है सबका लड़ाई झगड़ा देख के। और हम लोग उधर से चिल्लाते हैं, ए चुप, तुम लोग लड़ते रहती हटे। तो फिर अभी आप देख रहे थे क्या क्या बनाए, चिकन है मतलब चिकन काट के रखा हुआ भी बनाए, ये वो सब चेक कर रही थी बच्चा लोग का। तो ये मैगी उगी था, ब्रेड था, सॉस वोस ठीक ठीक सामान था। तो बच्चा मुझे दिखा दे रहा था, देखो सॉस है, मैगी है। तो अभी प्रियंका आ गई लास्ट में तलने के टाइम, क्योंकि उसको ब्रेड चप तलना था, तो ये अभी लास्ट था पकौड़ी का, तो तल रही है, वो बोल रही है मुझे भी नहीं पता म्यूट दबा हुआ है, उसको भी किसी को नहीं पता है म्यूट दबा हुआ है, उसकी वजह से सब जितना कुछ बोले तो नहीं आ पाया, तो मुझे वॉइस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर ये सब का भी आवाज़ आता तो बहुत अच्छा लगता। तो अभी यहाँ चिप्स तला रहा है, क्योंकि सबको खाने का मन था चिप्स, कि चिप्स खाएं उसके बाद कुछ और बनाओ। तो यहाँ पे चिप्स तल रही थी, चिप्स सब इतना नॉनसेंस है ना, चिप्स रख दी ये थर्माकोल में, तो ये ऐसा हो गया। तो प्रियंका वहाँ मजाक कर रही थी प्लेट में रखने चढ़ कर इसमें, तो बच्चे लोग भी इधर, तो देखिए दोनों बच्चा मिला, दोनों बहन है छोटी छोटी, तो उसकी जो छोटी बहन वो गुस्सा हो गई, घर जाने लगी थी, तो यहाँ नेहा आई सॉल्व करने के लिए, तो उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा था, सबको हम लोग बोल रहे थे, फिर भी वो बच्ची बहुत जिद्दी लड़की थी, वो आखिर लास्ट में घर चली ही गई, इतनी जिद्दी थी कि उसको घर जाना ही पड़ गया। देखिए वो जा रही है, उसके पीछे वो बच्चा लोग जा रहा है उसको बुलाने के लिए, बहुत ज़्यादा बदतमीज लड़की थी, काश आप लोग ना हो। मतलब बच्चा लोग को ना हमेशा प्यार के साथ साथ डांट भी बहुत ज़रूरी, इतना भी जिद नहीं ठीक लगता है। तो ये हमको दिखा रही थी कि बच्चे लोग इतना मोटा आलू काटा है पकौड़ी के लिए, जितना मोटा आलू कैसे पकेगा, तो यही बोल के हम लोग हंस रहे थे। ये जो है ना ये लीडर थी, मतलब ये सबका ग्रुपिंग का ये लीडर थी, तो यही काटी उटी मतलब सबको मिल के कर रहा था। तो उसको बोल रहे थे इतना मोटा तुम कहाँ दोगी, देखिए पकौड़ी के लिए ही कर रही, इतनी छोटी है, सबको इतना सारा खाना बनाने आता है, हम लोग को जब भी सबका उम्र का था तो हम लोग को आता भी नहीं था, ये तो अच्छा बात है कि सबको आता है खाना। फिर बच्ची में सब परेशान, देखिए बच्ची को सब ये कर रही है। तो अब मैं आ गई अपना तरफ, इधर भाभी चिकन के लिए दे रही थी तेल, अभी चिकन बने, चिकन क्या बोलते हैं, ब्रेड चो बनेगा, उसके बाद चिकन बनेगा। देखिए बच्ची आ गई,
बहुत ही ज़्यादा बदमाश बच्ची थी, सच ही बता रहे हैं यार। इतनी जिद्दी लड़की हम नहीं देखे कभी। और हम लोग को देखिए, ये रेडी हो गया ब्रेड चॉप और सॉस जेम, और इधर पकौड़ी, ये भी हम लोग खा रहे थे सबको बैठ के। तो मैं भी सबको बोल रही थी, सब हंस रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे नमक डाल के ये नींबू उम्बू इसको तैयार कर रहे थे। अब ये चले हम लोग घूमने नदी नदी जा रहे हैं नदी, क्योंकि अभी नहीं खाया खाना, ऐसे कुछ कुछ खा लिए थे। देखिए गाइस, अभी नदी से आ गए और अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। शाम का भी टाइमिंग हो रहा है 4:30 बजने वाले, तो जल्दी जल्दी खा के घर निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। आप लोग को कैसे लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा।